मुद्दों को जोड़ते हुए हम लोग आज बिहार के तमाम बहालियों से संबंधित नौजवानों को यहाँ बुलाए हैं। एक बैठक चल रही है जिसमें सिटी मैनेजर के जो लोग साथी हैं वो हैं, सांख्यिकी स्वयं सेवक संघ के लोग हैं, यहाँ पर शारीरिक शिक्षक लोग हैं, टीचर की अलग अलग बहालियों से संबंधित जो लोग हैं वो सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं, पारा मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। हम ये चाहते हैं कि सरकार को चाहिए कि बिहार में जो बेरोजगारी का आलम इतना भयावह हो चुका है, इसको देख करके एक अतिरिक्त सत्र विधानसभा का बुलाया जाए और सरकार एक श्वेत पत्र जारी करे कि बिहार में बेरोजगारी को दूर करने के लिए वो कौन सा रास्ता अपनाना चाहते हैं, क्या रास्ता उनके पास है। एक तो ये हमारी मांग है। दूसरी बात है कि जिस तरीके से दसियों साल से कोई कोई बहाली आकर के लंबित पड़ा हुआ है, बहाली आ रहा है जो एग्जाम नहीं हो रहा है, एग्जाम हो रहा है तो रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट हो जा रहा है ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, कल्मिनेट फाइनल नहीं हो रहा है, अधिकांश बहालियों का आपको यही कहानी मिलेगा। हम चाहते हैं कि ये पॉलिसी सरकार बना ले कि आपको विज्ञप्ति के साथ समय सीमा तय करके उस विज्ञप्ति को लिखना पड़ेगा। दो साल का आप देते हैं तो दो साल के अंदर बहाली पूरी कीजिए। तो ये तमाम मांगों को लेकर के आने वाले दिनों में बिहार में एक बड़ा मूवमेंट हम लोग खड़ा करेंगे, एक बड़ा आंदोलन करेंगे और उसी की रणनीति हम लोग यहाँ पे बनाने के लिए आज बैठक कर रहे हैं। निश्चित तौर से देखिए विधानसभा सत्र में तो पिछली बार भी हम लोग उठाए, मंत्री महोदय वहां पर जवाब देते हैं कि शीघ्र इसको विचार किया जाएगा, लेकिन ये शीघ्र जो है ये आता नहीं, चार छह महीने हो गए, विधानसभा जो बजट सत्र था 6 महीने खत्म हो गए लेकिन कोई शीघ्र बहाली नहीं हुआ। शारीरिक शिक्षक का शीघ्र बहाली करवाएंगे, स्वयंसेवक ये जो सांख्यिकी स्वयंसेवक संघ का है इसके विचार किया जाएगा शीघ्र, आज तक विचार नहीं हो रहा है। सिटी मैनेजर का मामला है, मतलब 2 साल हो गया आपने कह दिया बच्चों को कि पुरानी नौकरी छोड़ करके आ जाइए, NOC लेकर के लोग आकर के बैठ गए सिटी मैनेजर पोस्ट के लिए, अब आप उनसे मिल नहीं रहे, उनसे बात नहीं कर रहे, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे। तो असल में नौजवानों का भविष्य जिस तरीके से अंधकार में बनाने की तो पूरी प्लानिंग बिहार सरकार कर रही है, इसके खिलाफ यहाँ के नौजवान गुलबंद हैं और हम लोग इन नौजवानों के साथ हैं और जहाँ जरूरत पड़ेगी विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा के बाहर भी संघर्ष होगा और मजबूत संघर्ष। बिहार स्टाफ कमीशन 2014 की बैठक